आप तो व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। आपने एक वेद के चार खंड कर दिए, 17 पुराण शास्त्र लिख दिए, लेकिन मन को तब भी शांति नहीं मिली। बोले क्यों नहीं मिली? तो बोले एक ही कारण है, यदा धर्मादय चातावनि वर्णानुवर्तिता पन्ना तथा वासुदेवस्य महिमानुवर्णिता। आपको शांति न मिलने का एक ही कारण है कि आपने बातें तो बड़ी बड़ी करी, बड़े खंड बना दिए, लेकिन आपने कहीं पर भी वासुदेव के बारे में नहीं लिखा, आपने कहीं पर भी कन्हैया की ब्रज की लीलाओं को नहीं लिखा, आपने 17 पुराणों में कहीं पर भी नहीं बताया कि हमारे ठाकुर जी ने कैसे ब्रज में माखन चोरी करी, कैसे ग्वाल बाल कृष्ण लीला करी और कैसे भगवान ने गोपियों के साथ में महाराज किया, कहीं भी वासुदेव के बारे में आपने नहीं लिखा, इसलिए अभी तक आपको शांति नहीं मिली, इसीलिए आपको आनंद नहीं मिला। क्योंकि अगर आप हमारे वासुदेव के बारे में, वासुदेव कृष्ण के बारे में लिखते तो आपको आनंद का आभास हो जाता। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुना दी यहाँ पर व्यास जी को, कि व्यास जी भगवान के भजन में बड़ी बड़ी शक्ति है। पूर्व जन्म में मैं रामदास था और एक दासी का बेटा, मेरी माँ दासी जी नगर में सेवा किया करती थी। एक बार जिस गांव में हम लोग रहते थे वहां पर चातुर्मास से व्यतीत करने के लिए संतों की मंडली आई, और संतों की मंडली जब आई तो संतों की मंडली के भोजन बनाने का काम मेरी माँ को दे दिया गया और मुझे भी काम पर लगा दिया गया कि तुम भी संघ में सेवा करो। चातुर्मास का जो महीना होता है, जिस समय पर चातुर्मास के समय पर संत महात्मा भक्त रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, जब भगवान सेवा करते हैं, तो मैं मन से उन संतों की सेवा करने लगा। वो संत सत्संग किया करते थे, मेरा मन भी उस सत्संग में लग गया। देखते ही देखते पता नहीं चला कब वो 4 महीने व्यतीत हो गए, और वो 4 महीने जैसे ही व्यतीत हुए तो संतों की मंडली जाने लगी। लेकिन मेरा तो लगाव था, पहले सबको प्रसाद कराता और प्रसाद कराने के बाद में जो उनकी सीत प्रसाद बच जाती उसको मैं ग्रहण करता, मन बड़ा लगा हुआ था उस भजन में, सत्संग में। लेकिन जैसे ही उन संतों के जाने का क्षण आया तो मेरा मन भी उनके साथ जाने को हो लिया। मैं उन संतों के पीछे पीछे भागने लगा, कहा मुझे ले चलो साथ में। उन संतों ने मुझे समझाया कि रामदास तुम्हारा अभी समय नहीं है कि तुम जाकर के हमारे साथ रहो। बोले क्यों, मेरा समय क्यों नहीं है? बोले इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी माँ अभी जीवित है और पुत्र का सबसे पहला कर्तव्य अगर कोई छोटा है तो वो होता है माता पिता की सेवा। तो ब्याज जी, मैंने उन संतों से कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, भगवान के भजन के सत्संग के बिना नहीं रह पाऊंगा। तो उन संतों ने उससे कह दिया, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ मत चलो, तुम तो भगवान का भजन करो। बोले भजन भी कैसे करूं मैं? तो उन संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया, द्वादश अक्षर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिया और उस मंत्र को कह दिया कि इसका जाप करना, भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। बोलो संत भगवान की, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निमित्ताय नमः संकर्षणाय च। तो मैं उस मंत्र का जाप करने लगा नियम से, लेकिन मेरा मन अभी भी भगवान की भक्ति में था, घर को छोड़ने को था, लेकिन कैसे छोड़ूं, माँ है। लेकिन एक दिन ऐसा आश्चर्य हुआ, बोले कैसा आश्चर्य, हे गदा
एक दिन मेरी माँ गाय धोने के लिए जा रही थी, गलती से उसने एक सर्प पे पैर रख दिया और उस सर्प ने मेरी माँ को काट लिया और उसका प्राणांत हो गया। व्यास जी कहने लगे, बड़े दुख की बात है। नारद जी कहते, महाराज मेरी माँ की मृत्यु का समाचार मुझे मिला, मेरे पास में जाकर के रोने लगा, लेकिन वहां मैं एक आश्चर्य देख रहा हूँ। बोले कैसा आश्चर्य देखा? बोले मैंने ये आश्चर्य देखा कि जब माँ मरी तो मैं रोने लगा, लेकिन रोते समय मेरी नेत्र से आंसू बहे। बोले स्वाभाविक है, अगर कोई रोएगा तो आंसू तो आएंगे, लेकिन मेरे साथ एक आश्चर्य है। बोले क्या? कि मेरी एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडा आंसू। ब्याज जी कहने लगे, ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ कि मुझको जन्म देने वाली जन्मदायिनी मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मुझे दुख हुआ। तो दुख में जो आंसू निकला वो गर्म निकला। और दूसरी बात ये कि मैं भजन के लिए जा रहा था, कि मेरे भजन में मेरी बाधक कौन बन रही थी? मेरी माँ। तो आंसू दोनों समय निकलते हैं, दुख में भी और सुख में भी, लेकिन अंतर क्या होता है कि दुख में निकलने वाले आंसू गरम गरम होते हैं और नमकीन होते हैं, कभी देखना गौर कर। और एक आंसू जब निकलता है, जब ज्यादा खुशी हो जाती है, सुख होता है, और सुख के समय पर जो आंसू निकलते हैं वो निकलते हैं ठंडे, और वो निकलते हैं नमकीन, नहीं होते वो आंसू। लोग सोचते हैं दूसरे को दुख देकर कि हमें सुख मिले, अरे अगर ये दूसरे को रुलाना है तो भैया गरम आंसू देखने के लिए दुख देकर मत रुला। ऐसा ऐसा सुख दे कि हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। नारद जी कहते हैं, मेरी एक आंख से गरम आंसू काहे के दुख के कि मेरी माँ मुझे छोड़ गई, लेकिन एक आंख से सुख के आंसू किस बात के कि मेरे भजन की जो बाधक थी वो चली गई, तो अब मैं स्वतंत्र होकर भजन करूंगा। मैंने अपनी माँ की क्रिया की, अंतिम जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को करके मैं जंगल में गया और मैंने द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया, ओम नमो, जोर से बोलो, ओम नमो भगवते हमारे बीच में डंडी स्वामी जी आए, सब लोग ताली बजाकर महाराज जी का अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। और महाराज जी प्रवचन करेंगे, आप आज प्रवचन सुन लो, बाद में समय रहा तो थोड़ा सा हम भी कुछ बता देंगे उसके बाद, क्योंकि समय भी फिर होने ही वाला है। महाराज जी के भी प्रवचन सुन रहे हैं, महाराज जी हमारे बीच में आए हैं और कथा तो कल भी होगी, लेकिन हमारी कथा का नंद सब परसों होगा, चौथे दिन नहीं पांचवे दिन, ठीक है? तो महाराज जी बीच में आए हैं, महाराज जी का सत्संग सुन लीजिए, उसके बाद में कथा समय रहा थोड़ी बहुत सुनाएंगे, नहीं तो अगर समय हो गया तो आज तो करेंगे। बोलो मान के बिहारी लाल की, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। आज नवलेश्वर धाम कैसा हो रहा है? आनंद में हो रहा है कि नहीं? सजा तो घरे गुलशन सा, गुलशन सा।
सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून उनके गरीब आने में। मुफ्त चाय प्यासी अखियों को मिला है आज सागर, बरका था जिसको पाने की खातिर जमा सजा दो शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वावैतो ब्रह्मणा पुरा कंठं वित्त्वा विनिर्यातो तस्मान् मांगलिकावहो। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यं, नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यं,
नमस्ते सते ते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्राय, नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापने शाश्वताय, नमो अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्त्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदे विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओ श्रीराम जय राम भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। मंचस्थो व्यास जी महाराज, सज्जनों, माताओं, बहनों, थोड़ा सा चिंतन करते हैं बैठ करके। संसार के संबंध में यदि लोगों से अलग अलग प्रश्न किया जाए कि संसार क्या है, निश्चित है सबका उत्तर एक जैसा नहीं मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे, इनसे यदि पूछो कि यह संसार क्या है, कह देंगे ये हमारे खेल का मैदान है, क्योंकि जब सो के जगते हैं, जब तक सो नहीं जाते खूब खेलते हैं। क्रीडास्पदम बालकानां युवानां भोगास्पदम जगत। नौजवानों से पूछो कि संसार का स्वरूप क्या है, तो नौजवान कह देंगे खूब मौज ही मौज है संसार में, खाओ पियो और खूब मौज करो। तो नौजवानों के लिए ये संसार भोग भूमि है, बच्चों के लिए क्रीड़ा भूमि है, खेल का मैदान है। और बूढ़े लोगों से पूछो संसार का स्वरूप क्या है, कहते कुछ नहीं रखा अब दुनिया में, आंख देख नहीं सकती, पैर अपने शरीर का बोझा नहीं ले सकते, कान सुन नहीं सकते, अब तो भगवान पूछ ले तो ज्यादा अच्छा है। चिंतास्पदम तु वृद्धानां, संसार बूढ़े लोगों के लिए चिंता का विषय है। और साधु संत महात्माओं से, विद्वानों से पूछो संसार का स्वरूप क्या है, कह देंगे नर्तन भव वारिद कर वीरो। ज्ञानी साधनास्पद मुच्यते, इस संसार को ज्ञानी साधना भूमि बताते हैं। मनुष्य जीवन मिल गया बड़े भाग्य से,
और इसको पा करके यदि भजन ध्यान उपासना सत्संग भगवत कथाओं में लगाया गया, देखो यहां कितना बढ़िया भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है सबको। ये सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, जैसे नाव से नदी पार करनी हो, जिधर नाव जानी है अगर उधर हवा बह रही हो तो बड़े आसानी से पार हो जाते हैं, और उल्टी हवा बह रही हो तो साइकिल चलाने वालों को तो अनुभव होगा ही होगा, नाव चलाने वाले का अनुभव हो चाहे ना हो। तो ये अनुकूलता की वायु बह रही है जो सत्संग मिल रहा है, विद्वान लोग जो आपको बता रहे हैं इस यज्ञ में आकर के, वो अनुकूलता की वायु है। और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, ये श्रेष्ठ मल्लाह मिल गया पार लगाने के लिए भवसागर से। और ऐसा अवसर पाकर के भी तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज सुपाय, सुकृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। ऐसा श्रेष्ठ अवसर पाकर के भी यदि हम भवसागर से पार न हो सके तो आत्मा को अधोगति में ले जाने वाली स्थिति हो जाएगी हमारी। देखो जी, थोड़ा सा विचार करो, संसार में कुछ हम लेकर के नहीं आते हैं, जो कुछ मिलता है यहीं मिलता है, और जब जाते हैं तो यहीं छोड़ के चले जाते हैं। कोई भी दुनिया में पैदा होता है तो त्यागी बन करके पैदा होता है, बिल्कुल नंग धड़ंग आता है दुनिया में, और जब दुनिया से जाता है तो महात्यागी बन करके जाता है। जन्म लेते समय कम से कम शरीर लेके तो आया था दुनिया में, पर जब दुनिया से जाता है तो ये शरीर भी वहीं छोड़ करके चला जाता है दुनिया में। इसलिए जो कुछ प्राप्त है उसका सदुपयोग कर लिया जाए, और दुरुपयोग ना होने पाए, प्राप्त का दूसरे को कष्ट देने में उपयोग ना हो, सदुपयोग हो जाए। किसी ने बड़ी अच्छी बात संसार के संबंध में बताई है, यह जग है सराय मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना, आए हो बेशक रहन बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। जैसे हम कहीं जाते हैं यात्रा वगैरह में, मुसाफिर खाने में ठहरते हैं, वहां मुसाफिर खाने में जितनी भी वस्तुएं हमें मिलती हैं उनका उपयोग करते हैं, पर उसमें ये भावना रहती है कि ये कुछ मेरा नहीं है। और जब जाते हैं तो बोलो वहीं की चीज वहीं छोड़ के चल देते हैं कि नहीं, सराय से मुसाफिर खाने से। वैसे ही ये संसार भी मुसाफिर खाने की तरह है, जो कुछ मिला है यहीं उपयोग करेंगे और यहीं का यहीं छोड़ करके चल देंगे। इसलिए इसमें लोभ में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, समय को सुधारने की जरूरत है। मृत्यु घबराने की चीज नहीं है, मृत्यु सुधारने की चीज है। नरेण, मृत्यु बिल्कुल एक हितैषिणी माँ की तरह होती है। जैसे हितैषिणी माँ होती है अपने बच्चों को अपना वात्सल्य स्रोत दुग्ध पिलाती है, पर अगर दूध खत्म हो जाए स्तन में, अगर बच्चा भूखा है तो वो दूध को छोड़ना नहीं चाहता, स्तन को और कस के पकड़ता है माँ जब छुड़ाने लगती है। और कभी कभी तो अगर छुड़ा दे तो बच्चा रोने लगता है क्योंकि पेट भरा नहीं और उसको छुड़ा दिया, पर माँ उसके रोने की परवाह नहीं करती है। माँ सोचती है ये इसके काम का नहीं रह गया है, तो उसको छुड़ा करके दूसरे स्तन में जिसमें दूध भरा हुआ है उसमें लगा देती है, वो चाहे रोए चाहे जो कुछ करे, पर जबरदस्ती छीन लेती है। मृत्यु बिल्कुल हितैषिणी माँ की तरह है। जब शरीर बहुत बूढ़ा हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, रोग से बेकार हो गया, दुर्घटना से बेकार हो गया, काम का नहीं रहा, तो इस शरीर को व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता,
रोगी से रोगी व्यक्ति भी फिर स्वस्थ होकर के जीना चाहता है, बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी चाहता है कि मुझे और जीने को मिल जाए। दुर्घटना से शरीर भले ही पूरा का पूरा बेकार हो गया हो, फिर भी दुर्घटना वाला व्यक्ति भी चाहता है कि हम और जिए, इस शरीर को न छोड़े। पर मृत्यु देवी कल्याणकारिणी माँ की तरह वो शरीर जानती है इसके काम का नहीं रह गया है, तो वो शरीर छीन करके दूसरा शरीर दे देती है। इसलिए मृत्यु घबराने की नहीं है, मृत्यु सुधारने की है। जीवन को ऐसा जिए कि मृत्यु सुधर जाए। किसी अंग्रेज कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, फाइंड अस फर्दर देन टुडे। मृत्यु को केवल मरने तक के लिए नहीं है, जीवन को वास्तविक समझ करके और कल जहां तक थे आज हम उससे आगे बढ़ जाएं, श्रेष्ठ हो जाएं। वेद कहते हैं ए मनुष्य अपने आप को पहचान। वेद कहते हैं शुक्रोशि भ्राजोशि स्वरसि ज्योति रसि आपनो ही याम शमति समम क्रम। ए मनुष्य तो बहुत शक्तिशाली है, वेद कहते हैं तू बहुत तेजस्वी है, बहुत ज्योतिर्मय है, दिव्य है, अपने प्रकाश से सारी दुनिया का अंधेरा नष्ट कर सकता है। तू तो सूरज है पगले क्यों अंधकार से डरता है, तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है, सारे जगत का अंधकार नष्ट कर सकता है अपने ज्ञान की प्रतिभा के द्वारा। ज्योति ऋषि तू ज्योतिर्मय है, प्रकाशशील है। आपनो यांश मति समम क्रम, तू ऐसी सद्बुद्धि अपने अंदर जगा ले कि सबसे श्रेष्ठ हो जा, अच्छा हो जा, बुराइयां जीवन की छोड़ करके दिव्य बन जाओ। इसीलिए यज्ञों का आयोजन किए जाते हैं, इसीलिए सत्संगों के आयोजन किए जाते हैं, जिससे जीवन की वास्तविकता को हम समझ जाएं और जीवन को ऐसा जिए। एक व्यक्ति ने पूछा, थोड़ा सा एक समझने के लिए बात कह दूं, मुर्दे को जलाकर लोग लौट रहे थे। एक ने पूछा, हमने सुना है कि मुर्दे को मरने के बाद जला के जब आते हैं, कोई कहता है स्वर्ग में चला जाता है, कोई कहता है वो नरक में चला जाता है, कोई कह देता है अरे वो दुनिया में फिर पैदा हो जाता है। ये जिसको जलाकर आ रहे हैं क्या ये पता चल सकता है कि ये स्वर्ग में चला गया कि नरक में चला गया कि फिर दुनिया में आ गया? तो सामने वाला व्यक्ति बड़ा समझदार था, उसने कहा पता चल सकता है। कहा कैसे? कहा जो मुर्दे को जला करके लौट रहे हैं वो यदि आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो और आपस में कह रहे हो भैया बहुत अच्छा व्यक्ति था, दूसरों के सुख दुख में हाजिर रहता था हर समय, जैसी उसकी सामर्थ्य होती थी वैसे दूसरों को भला करता था, बहुत भल मानुष था, कुछ दिन और जीता तो अच्छा रहता, अच्छा व्यक्ति था, चला गया, उसको याद करके रो रहे हो तो समझ जाना वो स्वर्ग चला गया। और जला के लौटने वाले व्यक्ति अगर एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर कर रहे हो और कह रहे हो अच्छा हुआ मर गया बहुत दुष्ट था, तो समझ जाना वो नरक में चला गया। और जिसको जला करके लौटने वाले ना दुखी हो रहे हो ना प्रसन्न हो रहे हो, शांत चले आ रहे हो, तो समझ जाना फिर वो धरती पर आ गया, फिर मनुष्य बन गया। तो जीवन को ऐसा जीना चाहिए। बड़े अच्छे संत स्वामी रोटी राम जी महाराज हुए हैं, उन्हीं की कृपा से यह शरीर साधु वेश में आया नरण, नहीं तो मैं तो कभी सोच भी नहीं रहा था कि कभी साधु बनूंगा। बहुत तेज था पढ़ने में जी, बीएससी बायोलॉजी से पढ़ रहा था और पढ़ने में खूब तेज था, डॉक्टर बनना चाहता था, पर ईश्वर ने ऐसी लीला कर दी कि मेरा परीक्षा ही फार्म खो दिया और प्रिंसिपल ने परीक्षा नहीं देने दिया, अपनी तरफ बुलाना था ना, इसलिए ऐसी लीला कर दी उसने नारायण। ओ तो स्वामी रोटी राम जी महाराज एक बात कहा करते थे, कहते थे कि जीवन को ऐसा जियो, जब तू आया था जगत में सभी हंसते तू रोता था,
बना ले जीवनी ऐसी, सभी रोए तू हंसता जा। एक बड़ी अच्छी बात संतों की भाषा में बोल जाया करते थे, वो कहते थे वही द्वार के पूत हो और वही द्वार के मूत, और करनी श्रेष्ठ तो पूत हो नहीं रहे मूत के मूत। संत साधु भाषा में बड़ी अच्छा उपदेश दे दिया करते थे। उसी मार्ग से मूत्र त्याग किया जाता है और उसी द्वार से पुत्र पैदा होता है। कितने लोग दुनिया में आते हैं चले जाते हैं कोई जान नहीं पाता, पर जो अच्छे लोग होते हैं आपस में एक दूसरे में प्रेम से रहते हैं, सद्भाव जागृत करते हैं, एक दूसरे की तरक्की में खुश होते हैं, हाथ बटाते हैं कंधे से कंधा लगा करके, ऐसे लोग जो दुनिया में होते हैं जिनके जाने के बाद लोग याद करते हैं कि वो बहुत अच्छे थे, नारायण वही पुत्र हैं। और नहीं तो फिर दुनिया में तो नारायण ये समझ लो हम ही दुनिया में नहीं आए। तेरे से पहले अनेकों मुसाफिर आए कमाए खाए चले गए, न खुद रहे न गए साथ लेकर, तो तुम भी ले जाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक रैन बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये जग है सराए मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। नारायण इतने लोग संसार में पहले हुए आज भी हैं, यदि दुनिया से जाते समय धरती के एक एक मिट्टी के कण को भी ले जाते हैं तो आज ये धरती नहीं बचती, इतने लोग पैदा हो चुके हैं। परंतु कोई कुछ नहीं ले गया, यहीं पर बड़े बड़े लोग आए जी, राजा वरानी, भागवत में आप कईयों की कथा सुनेंगे सुनते हैं, राजा वरानी पंडित व ज्ञानी, योगी तपस्वी व अवतार दानी, आया जो भी उसे जाना पड़ा है, इसमें ममता बढ़ाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक रहन बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये जग है सराय मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। एक बात याद रखना, बड़े बड़े राजे महाराजे आए और दुनिया से चले गए, भगवान अवतार लेकर के आए हैं राम कृष्ण इत्यादि, ये चाहते तो भगवान को काल कर्म गुण स्वभाव कुछ भी बंधन में नहीं डालता, वो चाहते तो हमेशा रह सकते थे। पर भगवान जानते थे कि दुनिया में ऐसे कई लोग पैदा होंगे जो हमको भगवान नहीं मानेंगे, हमको अवतार नहीं मानेंगे, ऐसे लोग कल को कह देंगे कि राम जिंदा है तो हम भी जिंदा रहेंगे, कृष्ण जिंदा है तो हम भी जिंदा बने रहेंगे। इसीलिए भगवान दुनिया में आकर के चले गए हैं, दिखा गए कि जब मैं नहीं रहा दुनिया में तो आप क्या रहोगे। सुनते हैं कोई एक यूनान का सिकंदर नाम का बादशाह था, पूरा विश्व विजय करते हुए कई देशों को जीतते हुए और भारत में घुस आया। भारत की संपन्नता के बारे में सुना, कई भारत के प्रांतों को जीता, पर जब पूर्व वीरों से मुकाबला हुआ ऐसा विष बुझा बाण मारा सारी सेना समाप्त हो गई, जान बचा करके भागा और पीछे लगी सेना सारी की सारी। एक संत को जंगल में देखा तो चरणों में गिर पड़ा, जानता था कि भारत के लोग संतों को बड़ा सम्मान करते। संत ने कहा अरे मेरे पास आया है प्राणों की भीख मांग रहा है, इसको मत मारो। बताया इसने कई देश तबाह कर दिए, कई प्रांत तबाह कर दिए इसने, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। संत मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि अरे इसके पुण्य खत्म हो गए, अब इसको मारो चाहे ना मारो ये खुद ही मरने वाला है, बेकार क्यों मारते हैं, इसको जाने दो। और उसको बचा लिया। जब गया उस समय बहुत बड़ा हकीम था लुकमान नाम का,
उस हकीम को बुलाकर अपना इलाज शुरू कराया, पर जहर का प्रभाव शरीर में बढ़ता चला गया, शरीर में गलन बढ़ती चली गई। पूछा सिकंदर ने एक दिन बुला करके, क्यों जी, ये मेरा जो शरीर गल रहा है, जो विष का प्रभाव बढ़ रहा है, ये खत्म क्यों नहीं कर रहे? मैंने तो घोषणा कर दी है, जो मेरे को ठीक कर देगा आधा राज्य दे दूंगा। और लुकमान बड़े उत्साह से गया था कि अब आधा राज्य तो मुझे मिल जाएगा। लुकमान ने कहा, हुजूर क्षमा करें तो हम एक बात कहें। कहा, बिल्कुल बोलो, क्या कहना है? कहा, मेरे पास शरीर के घाव के सड़न गलन के अच्छे से अच्छे इलाज है, मेरे पास जहर के बहुत अच्छे से अच्छे इलाज हैं, पर मेरे पास मौत का कोई इलाज नहीं। और आप इस समय मौत के गुलाम हो गए हो, मौत के अधीन हो गए हो, इसलिए मुझे आपको नहीं बचा सकता। उसने तुरंत सबको वापस कर दिया, इलाज करने वालों को, और उसने सब लोगों को बुला करके कहा, देखो, जब मेरी अर्थी सजाना, मेरे जनाजे के कफन के बाहर मेरे दोनों हाथ कर देना, एक हाथ को सफेद रंग से, एक को काले रंग से रंग देना। लोगों ने कहा, ये नियम तो नहीं है कि जनाजे के बाहर निकाले जाए हाथ। कहा, मेरी इच्छा है। कहा, ऐसा क्यों? कहा, मैं दुनिया को एक दिखाना चाहता हूं कि विश्व विजेता सिकंदर जब दुनिया से गया तो खाली हाथ गया। इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। बहुत बड़े भूभाग को जीत लिया, परंतु जब दुनिया से गया, खाली हाथ गया, दुनिया को दिखा गया कि विश्व विजेता सिकंदर भी दुनिया से कुछ लेकर के नहीं जा रहा है। तो भगवान भी आए तो संसार से चले गए दिखा करके कि मैं नहीं रहा दुनिया में तो तुम क्या रहोगे, एक शिक्षा दे करके चले गए। नारायण, जो कुछ भी यहां मिला है सब परमात्मा की देन है, परमात्मा ने दिया है। आप कह सकते हो, ये बेटा बेटी तो हमने पैदा किए हैं। जरा अपने आप से पूछना, कई लोग समाज में ऐसे मिल जाएंगे जिनको संतान नहीं हो रही। जब वो डॉक्टरों के यहां जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं, आप पति पत्नी दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं, संतान पैदा करने योग्य हैं, आप दोनों में कोई कमी नहीं है। जब दोनों में कोई कमी नहीं है तो क्यों संतान नहीं हो रही? तो वो देने वाला दे रहा है और कर्मों के अनुसार दे रहा है, जिसके जिस प्रकार के कर्म है उसके अनुसार दे रहा है नारायण। इसलिए जो कुछ मिला है वो परमात्मा की देन है। ये दुनिया है दौलत अमानत प्रभु की, और ना है किसी की और रहे ना किसी की। ये दुनिया है दौलत अमानत प्रभु की, ना है किसी की रही ना किसी की, और आगे भी होकर रहे ना किसी की। इसे अपना बनाने की कोशिश न करना, आए हो बेशक रहन बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये जग है सराय मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। दुनिया में जो कुछ मिला है परमात्मा की दी हुई अमानत है, और अमानत में खयानत करे कोई तो फिर उसकी जमानत जब्त हो जाती है। नारायण, एक प्रश्न पूछे, कोई किसी को अपनी अमानत सौंपता है तो उसको ईमानदार समझ करके सौंपता है कि बेईमान? क्यों जी? ईमानदार समझ करके। तो ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है वो ईश्वर की अमानत है जो आपको मिली है, और आपको ईमानदार समझ करके आपको दे दिया है। पर जिसको अमानत दी जाए वो अपना मान ले ये मेरा है, तो फिर क्या होगा जी? फिर वो जिसकी अमानत है वो अगर ले लेगा तो बोलो, रोना पड़ेगा कि नहीं? दुखी होना पड़ेगा कि नहीं? बस यही गलती हो जाती है हमसे कि जो कुछ दिया है उनसे हम अपना मान लेते हैं, और इसी कारण बंधन में पड़ जाते हैं।
देवी भागवत में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है, द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च, ममेति बद्धते जंतु न ममेति प्रमुच्यते। ये श्लोक शायद अष्टावक्र गीता में जो राजा जनक को उपदेश दिया उसमें भी आया है, देवी भागवत में तो मुझे अच्छी तरह याद है। अभी भद्रश में यज्ञ में देवी भागवत की कथा 9 दिन तक कह के आया हूं नारायण। तो दो शब्दों से ही देवी भागवत कहती, दो शब्दों से ही बंधन है और दो शब्दों से ही मोक्ष है। ना ममेति, मेरा कुछ नहीं है, ये भावना अगर मन में आ गई तो मोक्ष है, और ये मेरा है भावना आ गई तो यहीं पर बंधन हो गया। बोलो जी, आप लोग रोज आरती करते हैं ना, माताएं बहनें तो करती हैं, ये लोग चाहे काम में लगे रहें इधर उधर, क्या बोलते हैं, प्रभु जो कुछ है सो तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। बोलते हैं आप लोग कि नहीं, पर बोलते तो हैं, रोज कहते हैं भगवान से कि प्रभु जो कुछ है सो तेरा, सब कुछ है तेरा, पर सच सच बताना क्या आज तक माना कि सब कुछ भगवान का है? बोलो, बोलते रोज हो कि नहीं कि जो कुछ सब है सब तेरा, कहते तो हो कि सब कुछ तेरा है, पर मानते क्या हो, सब कुछ है मेरा है? कपट कर रहे हो कि नहीं, भगवान के सामने जाकर के भगवान से छल कपट करते हो, झूठ बोलते हो, कहते हो प्रभु जो कुछ है सो तेरा, पर मन से मानते हो सब कुछ है मेरा क्या लागे तेरा। बोलो, यही है, केवल इतना शांतर हो जाए अगर कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है कहते रहो, पर मन से भगवान का मानते रहो, केवल इतना अंतर हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, ये कथा ये सत्संग ये यज्ञ सार्थक हो जाएगा। दो शब्दों से ही बंधन है और दो से ही मोक्ष, मेरा कुछ नहीं सब कुछ भगवान का, वहां मोक्ष है, और ये सब कुछ मेरा है वहीं पर बंधन है। देखो जी, बड़े भाग्य से 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। 84 के चक्कर में गोते लगाकर मुश्किल से मानो का चोला मिला है, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, ये अवसर गंवाने की कोशिश न करना, ये जग है सराय मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना, आए हो बेशक रहने बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, ये जग है सराय मुसाफिर खाना। नारायण, 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य जीवन मिला है। 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं, शास्त्र बताते हैं, स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम कूर्मश्च रुद्रलक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणाम 30 लक्षम पशुणाम च 4 लक्षम च वानरा ततो मनुष्यता प्राप्ति ततः कर्माणि साधेत। 20 लाख वृक्षों की योनियां, स्थावरम विंशतिर्लक्षम और जलजम 9 लक्षकम 9 लाख जल की योनियां है, कूर्मश्च रुद्र लक्षम च रेंगने वाले सरक के चलने वाले कीड़े मकोड़े 11 लाख योनियां है, और 10 लाख पक्षियों की योनियां है, 3 लाख पशुओं की योनियां है, और 4 लाख बंदरों की योनियां है, ये 84 लाख योनियां है, और उसके बाद मनुष्य जीवन मिलता है। ततः कर्माणि साधेत, फिर अपने जीवन के कर्म को सुधार लेना चाहिए। हम जब बहुत छोटे थे कौड़ियों से खेल खेला करते थे, पता नहीं इधर खेला जाता है कि नहीं, चंदा पौवे का खेल,
हाँ कुछ लोगों को पता है, सिर हिला रहे हैं। चंदा पौवे का खेल खेला करते थे कौड़ियों से। उसमें क्या होता था कि गोट अपनी जगह से पांसा पड़ते थे तो घूमती थी, कभी मारती थी कभी मरती थी खुद पिट करके, और फिर जहां से चली वहीं आ जाती थी। पर अगर सही पांसे पड़ते रहते थे तो वो गोट घूमते घूमते भीतर जाकर के और कहते थे अब अपने घर के दरवाजे में खड़ी हो गई है गोट। और उस समय अगर पाव का पासा पड़ जाता था, एक का पासा पड़ जाता था, तो वो गोट जो है अपने घर चली जाती थी। फिर कहते थे अब हमारी गोट अमर हो गई, अब मरना पिटना बंद हो गया, अब वो अपने घर पहुंच गई है, अमर हो गई है। उसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन जो मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, अगर एक का पासा पड़ जाए, अगर उस एक परमात्मा से संबंध हो जाए, तो फिर मरना पिटना जहां से चले वहीं फिर पहुंचना, ये सब खत्म हो जाएगा। परंतु गलत पासा पड़ गया अगर, तो फिर चक्कर काटना, फिर मरना पिटना, जहां से चली वहीं फिर पहुंचना, ये चलता रहेगा। इसलिए मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला है नारायण, इसलिए इस जीवन को सफल बनाना चाहिए।